अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं आप लोगों के लिए एक आसान नुस्खा अरफुन निसा का लेकर हाजिर हुई हूँ। अरफुन निसा एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। अरफुन निसा का दर्द बहुत शदीद होता है और इसका बहुत ही आसान और देसी नुस्खा लेकर आज हाज़िर हुई हूँ। और ये बिल्कुल आसान तरीके से बनाना बताऊँगी ताकि आप तमाम लोग, ऐसे लोग जो अरफुन निसा के मर्ज़ का शिकार हैं, वो इस मर्ज़ से आसानी के साथ देसी दवाई के ज़रिए छुटकारा हासिल कर सकें। तो आइए चलते हैं नुस्खे की तरफ। ये देखें, ये मैंने बनाई हुई हैं गोलियाँ। ये वही दवाई है जिसका मैं आपको तरीकाकार बताऊँगी पूरा। अगर आप इस तरह की टैबलेट बनाना चाहें तो ये भी बन सकती हैं। ये छोटी छोटी सी ये देसी दवाई मैंने बना कर रखी है, क्योंकि मुझे खुद अरफुन निसा का मसला है, तो इस वजह से मैं ये सर्दियों के दिनों में ये बना लेती हूँ। और आपको किसी किस्म की पेन किलर खाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, या तो फिर आप इस तरह से ये टैबलेट्स मिलती हैं। ये सिर्फ खाली कैप्सूल की, ये खाली कैप्सूल हैं, ये देखें बिल्कुल खाली हैं। और इसको जो है वो आप इस दवाई से भर सकते हैं। ये दवाई पाउडर फॉर्म में है और आप इसको किस तरह से फिल करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि ये कैप्सूल भी आप बना सकते हैं, जो आसानी से निगलने में आसान है। और देखने में ये एक एलोपैथिक मेडिसिन नज़र आती है, लेकिन इसके अंदर होगा इसका पाउडर, जो मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ। ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप इसके अंदर फिल कर लें, कैप्सूल बना लें, या फिर जिस तरीके से मैंने अपने लिए बनाई है ये टैबलेट, इस तरह से आप बना सकते हैं, जो कि बहुत इजी होती हैं। ये बहुत छोटी साइज़ में मैंने बनाई है ताकि निगलने में आसान हो। और ये 2 से 3 टैबलेट एक वक्त में आप खाएंगे तो ही इसका असर सही तरह से होगा। अच्छा, अब ये जो टैबलेट का ये जो पाउच है, ये आसानी से आपको मेडिकल स्टोर्स पर या जहाँ से ये सारी चीज़ें मिलती हैं, फार्मेसी की चीज़ें, यहाँ पर हमारे कराची में तो ये कच्ची गली कहलाती है, जहाँ पर मेडिसिन का तमाम सामान मिलता है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आप किसी भी शहर में रहते हों जहाँ पर फार्मेसी मेडिसिन की जो शॉप्स होती हैं, वहाँ से आप मालूम कर सकते हैं कि हमें खाली कैप्सूल चाहिए। खाली कैप्सूल ये ज़्यादातर उन जगहों पर मिलेंगे आपको जहाँ पर मशीनें वगैरह मिलती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन, शुगर चेक करने की मशीन, या इस तरीके की चीज़ें जहाँ मिलती हैं उसी मार्केट के अंदर इन चीज़ों की भी शॉप्स मौजूद होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसीलिए बता दी, लोग कहेंगे कहाँ से मिलेगी, क्या करें। वैसे मेरे ख्याल से अगर आप मेरी राय को माने और मेरा मशवरा माने तो आप ये बना लें। ये सबसे बेहतरीन है और ये बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये देखें, ये इसका जो पाउडर है, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, इसका पाउडर मैंने बना कर रखा है। ये बिल्कुल ईजी है बनाना, इसको आप आसानी से ग्राइंड कर सकते हैं ग्राइंडर में डाल के आप इजीली इसको आप ग्राइंड कर सकते हैं और फिर इसे आप इस कैप्सूल के अंदर भर सकते हैं। और इस पाउडर का 1 चम्मच लेकर, इसका तरीक़ेकार भी बता देती हूँ, ये टैबलेट किस तरह से बनानी है। इस पाउडर का 1 या 2 चम्मच, आप जितना भी चम्मच लेना चाहें, अगर आपको ज़्यादा, ये जो मैंने बनाई है ना, ये 2 चम्मच से बनाई है, यानी 2 टेबल स्पून। ठीक है, आप थोड़ी बना लीजिए, फिर इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि थोड़ी बना कर रख लेती हूँ, जैसे ही अगर मेरा मर्ज़ ख़त्म हो जाता है, मुझे हल्का दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैं दोबारा इसको एक दफ़ा दोबारा बना लेती हूँ। जितनी मुझे चाहिए होती है उतना मैं बना लेती हूँ। बाकी ये पाउडर बनाकर मैं इसे फ्रिज में, फ्रिज का जो नीचे का हिस्सा होता है जहाँ पर हम सब्ज़ियाँ वगैरह रखते हैं, इसमें मैं रख देती हूँ, ताकि बवक्त ज़रूरत जब सर्दियाँ बहुत होती हैं तो अरफुन निसा का दर्द उठता है। याद रखिएगा, अरफुन निसा का भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप एलोपैथिक की मेडिसिन भी लेंगे तो ये आपको सिर्फ पेन किलर देंगे, या फिर इसकी एक सर्जरी है जिसकी वजह से, मतलब ये कहते हैं कि ये सर्जरी से आपका दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर्जरी से दर्द दूर होने की बजाय और बहुत सारे दर्द निकल आते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन की जगह अगर आप यूनानी अद्वियात को इस्तेमाल करें तो वो आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएंगी। तो ये मैंने बना कर रख दिया है, मैं फ्रिज में रख देती हूँ नीचे, और जैसे ही मुझे ज़रूरत होती है मैं इसमें से 2 चम्मच निकालती हूँ और इसमें 2 चम्मच ही पानी डालती हूँ। याद रखिएगा तरीका इस्तेमाल, 2 चम्मच ये पाउडर लिया और इसमें 2 चम्मच ही पानी डाला।
याद रखिएगा, ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये लेप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। पानी पहले कम डाल के देखें। आपको इस कंडीशन में चाहिए जिस कंडीशन में आप रोटी का आटा गूंथते हैं, उस तरह का ये इसकी शक्ल हो जाएगी। आप इसको हल्का सा दो उंगलियों और एक अंगूठे की मदद से आपको यूं पिंच के हिसाब से इसको गूंदना है। थोड़ी सी देर में ही एक आटे की शक्ल का पेड़ा आपका तैयार हो जाएगा। और जैसे ही वो आटे की शक्ल का पेड़ा तैयार हो जाए, आपको ये छोटी छोटी टैबलेट्स बना लेनी है। देखें ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, दो दिन के अंदर ये ड्राई हो जाती हैं। मैंने ये कल रात को बनाई है और ये देखें आवाज़ आएगी आपको, देखा आपको आवाज़ आई, ये बिल्कुल ड्राई हो गई है। मैंने कल रात को तकरीबन 11 बजे मैंने ये टैबलेट बनाई है, ठीक है, देखिए आवाज़ आ रही है, बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। छोटी इसलिए बनाई है निगलने में आसान हो। मैं तीन टैबलेट एक साथ खा लेती हूँ। इसके खाने का तरीका ये है कि आपने खाना खाने के बाद रात को सोने से पहले, यानी खाना आपने खा लिया 9 बजे और आप 11 बजे सो रहे हैं, तो आप इसकी, ये इतनी छोटी है ना, ये बिल्कुल चने के, चने की जो दाल होती है ना, ये इस साइज़ की है। चने का जो दाना होता है ना, उस साइज़ की नहीं, चने की दाल की साइज़ की है। तो अगर इतनी छोटी सी आप बनाते हैं ना, तो फिर आप ये तीन टैबलेट लेंगे। अगर आप इससे थोड़ी बड़ी बनाते हैं, अगर आप निगल सकते हैं, मैं नहीं निगल सकती तो इस वजह से मैंने छोटी बनाई है, अगर आप थोड़ी बड़ी बनाते हैं तो फिर दो टैबलेट आपके लिए बहुत हो जाएंगी, ठीक है। जब पाउडर आपके पास हर वक्त अवेलेबल होगा, तो जब भी आपका मसला हो, आप ये निकाल कर इसकी गोलियाँ बना लें और दिन में तीन टाइम आपको ये तीन तीन टैबलेट ले लेनी है। सुबह नाश्ते के 1 घंटे के बाद, दोपहर को खाने के 1 घंटे के बाद और रात को सोने से पहले, यानी कि रात को खाने के 2 घंटे या 1 घंटे के बाद भी आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। यानी याद रखिएगा कि ये खाली पेट नहीं लेनी, इनको खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। और ये अगर आपको बहुत शदीद दर्द हो, अरकुन निसा का दर्द जब उठता है तो बहुत शदीद उठता है, लेकिन जब एक बार इसका अटैक हो जाता है और वो थोड़ा सही हो जाता है, तो फिर इसके बाद हर सर्दी सर्दी ये उठता है, या कभी कुछ लग जाता है या कभी गिर जाते हैं, तो फिर इसका फिर से अटैक होता है, लेकिन वो इतना शदीद नहीं होता। तो जब इतना शदीद नहीं हो, तो आप दिन में 3 बार ये टेबलेट ले सकते हैं, 2 या 3, ठीक है। और अगर आपको बहुत शदीद दर्द उठता है, पहली दफ़ा उठा है और वो इतना शदीद होता है कि ना कोई बंदा उठ सकता है, ना वो चल सकता है, ना वो बैठ सकता है और ना सुकून से वो लेट सकता है, वो इतना शदीद दर्द होता है जो कि पहली बार उठता है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपने क्या करना है, तो आपने हर 1 घंटे के बाद ये छोटी टेबलेट एक ले लेनी है, हर 1 घंटे के बाद। मीन्स के पूरे दिन में आप 6 से 7 ये टेबलेट ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐसा सिर्फ 3 दिन ही करना है। 3 दिन के अंदर अंदर इसका जोर टूट जाएगा और इसकी कैफियत बहुत हल्की हो जाएगी। तो जैसे ही इसकी कैफियत हल्की हो, आप इन टैबलेट को सिर्फ दिन में 3 बार लेंगे। याद रखिएगा मेरी तमाम जितनी भी मैं आपको बताती हूँ, मेरी डायरेक्शंस जो मैं बताती हूँ आपको खाने की और बनाने की, तो उसे केयरफुली तौर पे देखिएगा। अगर आप केयरफुली तौर पे इसको नहीं देखेंगे, आप इसको सोच समझ कर नहीं सुनेंगे, तो फिर आपका इलाज गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं खुद यूज़ करती हूँ, मुझे सर्दियों में ये ज़रूर कुछ ना कुछ ये अटैक करता है, क्योंकि अरकुन निसा कभी जान नहीं छोड़ता। और ये याद रखिएगा, ये कहलाता अरकुन निसा है, यानी औरतों का दर्द, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आदमियों को भी होता है, ये औरतों को भी होता है, ये ज़िंदगी के किसी भी एज में हो सकता है, ये यंग एज में भी हो जाता है, ये बुढ़ापे में भी होता है, ये 40-50 साल में भी होता है, ये इससे भी ऊपर जाके भी होता है। लेकिन ये है कि ये आदमी, औरतें, जेंट्स, लेडीज़, हर एक को ये दर्द होता है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ औरतों से मंसूब कर दिया गया है, तो ये गलत है। बहरहाल अब इसका नाम ही ये पड़ गया है, तो यही कह रहे हैं हम भी। ये एलवा है, एलोवेरा के जेल से ही बनता है ये, इसे एलवा कहते हैं। लेकिन ये सियाह होना चाहिए, जर्द नहीं लेना चाहिए। अगर आप जर्द लेंगे तो किसी काम का नहीं होगा, सियाह एलवा ही हमको चाहिए। और ये है हरमल के बीज, हरमल के बीज। हमें क्या करना है, ये हरमल के बीजों को हल्का हल्का तवे पे सेक लेना है, इसको हल्का सा सेक लेना है। ये है सरंजान शीरी है ये, देख लें, आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों की देखी हुई हो और आप लोगों को लेने में आसानी हो। इसको हरमल के बीज को हम हल्का सा तवे पे सेक लेंगे और बाकी किसी चीज़ को आपको कुछ नहीं करना, इसको सेक लेना है और बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी रहने देनी है। हल्का हल्का हावन दस्ते में इनको कूट लेंगे। जब ये थोड़े थोड़े छोटे पीसीज में आ जाएंगी, तो आपने इसको ग्राइंडर कर लेना है सबको एक साथ। पहले हल्का हल्का सबको अलग अलग हावन दस्ते में कूटना है।
और फिर आपको इन सबको एक साथ मिला देना है। जब छोटे पीस में आ जाए, ये बड़े बड़े पीस हैं, देखें ये भी बड़े बड़े पीस हैं, तो ये जब थोड़े छोटे बिल्कुल पीस में आ जाएगा तो आपने इन सबको एक साथ मिला देना है। और हावन दस्ते से पीसने के बाद ग्राइंडर में पीस लेना है। ये सब एक एक तोला ही ली है, ये एक नुस्खा है कंप्लीट अर्कुन निशा के लिए। फिर आपने इसको जब पूरा बारीक पीस लेंगे, पाउडर बन जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैप्सूल के अंदर इनको किस तरह से भरना है और आपकी एक कैप्सूल तैयार हो जाएगी जो कि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी और अर्कुन निशा के दर्द से निजात देगी। तो ये आप ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए और अपने तमाम ऐसे जानने वालों को जिनको ये शदीद तकलीफ़ में वो मुब्तला हो, या आप ऐसे ही राह खैर में इसे जो है वो सेंड कीजिए सबको, अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, अपने फेसबुक पर और ट्विटर पर, और जहाँ भी आप जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप जाते हो तो वहाँ पर इस रेमेडी को ज़रूर आप सेंड कीजिए ताकि आप भी सदका जारिया में शामिल हो जाएं। और मेरी वीडियो को बनाने का मकसद तमाम लोगों को ऐसी ऐसी ख़तरनाक बीमारियों से छुटकारा दिलाना है कि जो इंसान की ज़िंदगी को बहुत मुश्किल कर देती हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना हरगिज़ ना भूलिए, इतना तो मेरा भी राइट बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।